हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी डायबिटीज़ के सिम्टम्स प्रिवेंशन के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड टू ईट इन डायबिटीज़ या फिर डायबिटिक डाइट प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि डायबिटीज़ में हमें कौन सी फूड हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए और कौन सी नहीं। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बीमारी में, क्योंकि न्यूट्रिशन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए। डाइट एक्चुअल में एक प्लान फूड होता है जिसमें हमारी कैलोरीज कैलकुलेट होती हैं। मेन प्रिंसिपल इज टू लिमिट द इनटेक ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मेन प्रिंसिपल है डाइट का कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जो शुगर में कन्वर्ट होता है। रिफाइंड और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी फाउंड इन फूड लाइक शुगर, सर्टेन ड्रिंक्स, कोका कोला, लेमनेड, जैम, केक, हनी, स्वीट्स, चॉकलेट एक्सेट्रा। दिस फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट इमीडिएटली रेजेज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। हमें कोका कोला, जैम, केक, हनी ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए डायबिटीज़ में, क्योंकि ये इंस्टेंटली एकदम से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, ये एक मेजरमेंट है जो जिसकी वजह से इंजेक्शन ऑफ फूड प्रॉपरली कंज्यूम नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। डायबिटीज डाइट एंड एक्सरसाइज। ईट 3 मील्स अ डे। हमें 3 मील्स खाने चाहिए और बीच में 2 स्नैक मील्स लेने चाहिए। रिड्यूस द फैट इन द डाइट, स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स, यूज अन सैचुरेटेड फैट्स और ऑयल्स, स्पेशली मोनो सैचुरेटेड फैट लाइक ऑलिव ऑयल एंड रेपसीड ऑयल। डायबिटीज पेशेंट को ऑलिव ऑयल लेना चाहिए। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दैट एट लीस्ट 5 पोर्शन अ डे। आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। लिमिट शुगर और शुगरी फूड नहीं खा, मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। रिड्यूस साल्ट इन द डाइट। डाइट में ज़्यादा साल्ट नहीं लेना चाहिए। हाई फाइबर फूड लेना चाहिए लाइक बीन्स हो गए, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन डायबिटीज। न्यूट्रिशन सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमें डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। अगर सपोज हम खा रहे हैं, हम कुछ गलत खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और एक तरफ हम मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ को रोकने के लिए और हम शुगर खा रहे हैं, तो एक तरफ हम उसे बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसे रोक रहे हैं, तो उसका एक्शन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो क्या असर करेगी मेडिसिन, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, फूड हैबिट्स नहीं बदलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन की। 90% जो डिजीज है वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। किसी विटामिन, किसी मिनरल, कैल्शियम, आयरन, बेसिकली इन्हीं चीज़ों की कमी से कोई ना कोई बीमारी जन्म लेती है। न्यूट्रिशन एक रूट कॉज है बीमारियों के जन्म लेने का। अगर कमी है तो बीमारियां जन्म लेंगी, और अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी, इम्यूनिटी होगी, स्ट्रांग होगा। अब डायबिटीज को मैनेज हम फूड से कम 70% हम फूड से कंट्रोल कर सकते हैं। करेले का जूस, टमाटर का जूस आप वीक में 2 टाइम्स लें। अमरूद, जिसे इंग्लिश में गावा कहते हैं, या लेमन जूस, नींबू पानी आप हफ्ते में 2 बार लें। अनाज में बेसन की रोटी या चपाती खाएं। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक करें। फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई होती है ऑर्गन्स तक, पैनक्रियाज और अदर ऑर्गन्स जो भी होते हैं वो सब स्ट्रांग बनते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है।
टमाटर का जूस बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर जूस नहीं है तो आप टमाटो ही खा सकते हैं, टमाटर ही खा सकते हैं। 15 दिनों बाद ये सभी फूड हैबिट्स अपनाने के बाद, 15 या 1 मंथ के बाद आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको कितना बेनिफिट हुआ आपको इससे। और अगर बेनिफिट होता है आपको इससे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। Thanks for watching and stay safe. Please like, subscribe, comment below and share.